नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस, आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। और आरआईएल के नतीजे उम्मीद से खराब रहे, पिछले क्वार्टर के मुकाबले प्रॉफिट में 11% की गिरावट रही। जी हां, ये है आज की बड़ी खबर। और एक और अहम खबर हम आपको बता दें कि शेयर बाजार में आतिशबाजी दिवाली से पहले शुरू हो गई है, निफ्टी ने नई ऊंचाई को छुआ। और मध्य प्रदेश में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर यह कि पेट्रोल और डीजल पर वैट में कटौती की गई है, यानी कि अब आपको पेट्रोल और डीजल के लिए कम पैसे चुकाने होंगे। साथ ही साथ इस बार त्योहार में हम आपके लिए लेकर आए हैं शुगर फ्री गिफ्ट्स, शुगर फ्री मिठाइयां। क्या है ये शुगर फ्री गिफ्ट्स, दिखाएंगे आपको बुलेटिन में। लेकिन सबसे पहले हम रिलायंस के नतीजों की बात कर लेते हैं। तो आरआईएल के नतीजे जुलाई सितंबर तिमाही में रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो नतीजे हैं वो अनुमान से खराब रहे। दूसरी तिमाही में कंपनी का स्टैंडअलोन मुनाफा 8,265 करोड़ रुपए रहा और जी बिजनेस को 8,810 करोड़ का अनुमान था। कंपनी की स्टैंडअलोन बिक्री जो है वो 6.7% यानी 68,532 करोड़ रुपए हो गई है। अगर जीआरएम्स की बात करें तो जीआरएम्स 11.9 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर 12 डॉलर प्रति बैरल हो गए हैं, जबकि जीआरएम्स के 12.5 से ज्यादा का अनुमान रहने का अनुमान था। तिमाही दर तिमाही पेटकिम एबिट जो है वो 10.82% से बढ़कर 18.3% हो गया। और अगर एबिटा की बात की जाए तो 18.05% से बढ़कर यह 18.94% हो गया है। इट्स माय प्रिविलेज टू टॉक अबाउट द सक्सेस ऑफ जियो एंड इट्स फर्स्ट क्वार्टर रिजल्ट्स। जस्ट फ्रॉम अ फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, we had revenue of 6,147 crores, EBITDA of 1,443 crores and EBIT of 260 crores. But these numbers really do not tell the full story. And Jio today represents the world's largest and fastest growing mobile data network. और सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी का कहना है कि सोमवार को रिलायंस के शेयर में कमजोर नतीजों के चलते गिरावट देखने को मिल सकती है, सुनिए। ये जो नंबर्स आए हैं ये इन लाइन विथ एस्टिमेट्स है, कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज नहीं है। जैसे पिछले 3-4 दिनों में ऑलरेडी इस स्टॉक ने एक अच्छी बढ़त ऑलरेडी दर्ज कर ली है, तो मुझे लगता है एक प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। स्टॉक मेरे ख्याल में थोड़ा नेगेटिव रिएक्शन दिखाना चाहिए मंडे मॉर्निंग को। और हमारे साथ प्रायेश जैन जो कि एवीपी हैं रिसर्च आईआईएफएल के, उनसे हम बातचीत करने की यहां पर कोशिश करेंगे। तो रिलायंस के जो नतीजे आए हैं हम आपको बता दें कि वो उम्मीद से खराब नतीजे यहां पर आए हैं। जी बिजनेस ने भी जो अनुमान लगाया था उससे काफी कम यहां पर रिलायंस के नतीजे रहे। और चलिए अब बाजार की बात कर लेते हैं। तो दिवाली से पहले यहां हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार की धमाकेदार क्लोजिंग हुई। बाजार ने ऊंचाई का एक नया रिकॉर्ड बनाया। निफ्टी करीब 65 अंक चढ़कर 10,160 के पार बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स 230 अंकों की तेजी के साथ 32,400 के ऊपर रहा। घरेलू मोर्चे पर मिली अच्छी खबरों ने तो बाजार में जोश भरा। ग्लोबल बाजार से भी संकेत अच्छे मिल रहे हैं। नतीजों से पहले दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बाजार में रफ्तार भरी। वहीं टीसीएस के अच्छे नतीजों ने निवेशकों को खुश कर दिया, जिसकी वजह से पूरा आईटी सेक्टर दौड़ा। और दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पटाखों की बिक्री पर पाबंदी से परेशान पटाखा व्यापारियों को कोई राहत नहीं मिल पाई। सुप्रीम कोर्ट ने 9 अक्टूबर के अपने आदेश में बदलाव करने से इनकार करते हुए पटाखा व्यापारियों की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने इससे वायु प्रदूषण पर पड़ने वाले असर का आकलन करने की बात एक बार फिर दोहराई। पटाखा व्यापारियों ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी और इसमें सुप्रीम कोर्ट के सितंबर के आदेश का हवाला देते हुए व्यापारियों ने कहा था कि उन्होंने दिवाली को ध्यान में रखकर पटाखों का काफी स्टॉक जमा कर लिया है, जिससे उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिल पाई। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि दिवाली के दिन पटाखा फोड़ने का जो समय है वो शाम 6 बजे से
9 बजे के बीच का है। हम आपको बता दें कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में आप शाम 6 से रात 9 बजे तक ही पटाखे फोड़ सकेंगे, यानी कि इन राज्यों में सिर्फ 3 घंटे पटाखे फोड़े जा सकते हैं। इन राज्यों में पीसीआर वैन इस बात की जांच करेगी कि कोई निर्धारित समय के बाद पटाखा ना जलाए। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि सिर्फ लॉटरी की प्रक्रिया से पटाखों को बेचने का लाइसेंस दिया जाए, साथ ही साथ इसकी वीडियोग्राफी भी कराई जाए। आपको बता दें कि दिवाली से पहले पटाखों की बिक्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की यह सख्ती सामने आई है। दस साल से पुरानी डीजल गाड़ियों को नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की तरफ से थोड़ी सी राहत मिली है। एनजीटी ने एनसीआर में 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियों को चलाने की छूट दे दी, लेकिन ये वही गाड़ियां होंगी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या जरूरी सामानों का ट्रांसपोर्ट कर रही होगी या फिर किसी सरकारी कंपनी से जुड़ी होगी। एनजीटी ने कहा कि ऐसे जरूरी कामों में लगे 10 साल से पुराने ट्रक अगले 3 साल तक चलाए जा सकेंगे, लेकिन इन्हें भी दिल्ली में दाखिल होने की इजाजत नहीं होगी। यानी कि ये गाड़ियां एनसीआर में तो चल सकेंगी लेकिन दिल्ली की सीमा में नहीं जा सकेंगी। और चलिए अब आपको दिखाते हैं आपके फायदे की खबर। तो जी बिजनेस की मुहिम का बड़ा असर हो रहा है। गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तराखंड के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार ने भी पेट्रोल डीजल पर वैट कम कर दिया। शिवराज सरकार ने यहां पेट्रोल पर 3% और डीजल पर 5% वैट में कटौती की है। इससे राज्य में पेट्रोल के दाम 1.62 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 3.94 रुपए सस्ते हो गए हैं। जी बिजनेस ने मुद्दा उठाया था कि केंद्र और राज्य सरकारें पेट्रोल और साथ ही साथ डीजल की कीमतें कम करें। अब तक 4 राज्य पेट्रोल डीजल पर वैट कम कर चुके हैं। डीजल के ऊपर हमने 5% वैट कम किया है और न केवल 5% वैट कम किया है बल्कि 1.5 रुपया प्रति लीटर जो अतिरिक्त अधिभार लगा था उसको भी हमने घटा दिया है। डीजल के साथ साथ पेट्रोल पर से भी वैट हमने 3% कम किया है और ये जो रेट हमने घटाए हैं ये आज आधी रात से लागू हो जाएंगे। फेस्टिवल सीजन में भीड़ को देखते हुए रेलवे की 4000 स्पेशल ट्रेन चलाने की योजना है। जी हां, दिवाली के मौके पर रेलवे स्पेशल राजधानी चलाएगा। मेंबर ट्रैफिक रेलवे बोर्ड मोहम्मद जमशेद के मुताबिक दिल्ली और मुंबई के बीच चलने वाली इस राजधानी से सफर का समय 2 घंटे कम हो जाएगा। खास बात यह है कि इस राजधानी में फ्लेक्सी फेयर लागू नहीं होगा और मौजूदा राजधानी के मुकाबले किराया 600 से 700 रुपए कम होगा। स्पेशल राजधानी को ट्रायल के तौर पर 16 अक्टूबर से 16 जनवरी के बीच चलाया जाएगा। हफ्ते में 3 दिन चलने वाली स्पेशल राजधानी की अधिकतम स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। कोटा, वडोदरा और सूरत में राजधानी के स्टॉपेज होंगे। मेंबर ट्रैफिक मोहम्मद जमशेद ने बताया कि ट्रायल सफल रहने पर दूसरे रूट्स पर भी स्पेशल राजधानी चलाई जाएगी। ये आप समझ लीजिए कि रेल मंत्री जी का ये सौगात है एक तरह से यात्रियों के लिए जो दिल्ली से मुंबई और मुंबई से दिल्ली यात्रा करते हैं, क्योंकि ये पहली दफा इस दिशा में हम लोगों का एक मूव है, एक टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने का, स्पीड बढ़ाने का, एक अच्छा पैसेंजर एक्सपीरियंस देने का। ये इंटरसिटी ट्रैवल है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन भी है जहाँ काफ़ी लोग ट्रैवल करते हैं, जहाँ पे एयर फेयर से भी और एयरलाइंस भी बहुत ज़्यादा ऑपरेट करती हैं। इसको देखते हुए, ध्यान में रखते हुए, एक हम लोगों ने पिछले दिनों एक ट्रायल कंडक्ट करी और मंत्री जी का कहना भी था कि इसमें स्पीड हर एक की देखी जाए कि कितना पोटेंशियल है। और देखिए, रेलवे में सफर के दौरान आपके खान पान का अनुभव बदलने वाला है। अगले 4 से 5 महीनों में रेलवे पूरी तरह जायकेदार नया मेन्यू लाने की तैयारी में है और कुछ ट्रेनों में तो नए मेन्यू का ट्रायल रन भी शुरू हो गया है।
मालूम है कि 2017 की जो केटरिंग पॉलिसी बनाई गई है और जो फरवरी में हम लोगों ने इस पॉलिसी को लॉन्च किया था, ये एक बड़ा मेजर स्टेप है केटरिंग में सुधार लाने की तरफ। इसके हिसाब के चलते इस पूरी जो केटरिंग की व्यवस्था है, सिवाय स्टैटिक जो स्टेशन के ऊपर छोटे स्टॉल्स होते हैं उनको छोड़ के, बाकी सारी जितनी केटरिंग सेवाएं हैं ये सब की सब IRCTC को ट्रांसफ़र करी जा रही हैं जोनल रेलवे से, जिसमें के करीब 350 हमारी गाड़ियां थी जिनमें मोबाइल पेंट्री कार होती है, वो सभी एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट के साथ में IRCTC को दिए जाएंगे। इसके साथ जितने भी बेस किचन हमारे पास हैं और सेल किचन हैं वो ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, फूड प्लाजा ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, फूड कोर्ट्स ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं।